नमस्कार, गुड मॉर्निंग ओडिशा गोटे नुआ अध्याय को अपन समस्त को स्वागत करुचे मो मामा दर्शक बंधु सबुतर पर आज अध्याय आज नुआ सकाल आम सहित जो नुआ अतिथि अच्छा जे कि निज लेखा मध्यम निजर एक स्वतंत्र परिचय तैयारी कर पार्टी तेरे सी होती बेंग कवि अर्जुन दास तेज चल स्वागत करवा लिखा जर्नी विषय अनेक कथा नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त शुभ सकाल आज्ञा कार्यक्रम को स्वागत आपको समस्त स्वागत आज्ञा कहली लेखा को लेकिन आप निजर एक स्वतंत्र परिचय तैयारी व्यंग कवि भाव आप समस्त चिन्ह समस्त जानते आप कविता को समस्त पसंद करते तो यार जर्नी के आरंभ हो मुझे जो 2013 मसीह कलेज पढ़ुली से टाइम कलेज मैगजीन आसे मैगजीन फास्ट गोटे लिखा देखिए बहुत लेखा दौंती मुझे लेखा दे मो लेखा प्रकाश पाइलानी मत टे बाधि जेहतु निज कवि लेखाटे प्रकाश पाइले खुशी हम तो मो लेखा जेहतु प्रकाश न पाला मतलब बहुत बाधि तो मुझे मानते खसी जाइल तौक कि भाई मुझे लिखिपरिनी तो पूर्व मोर जे त्रिनाथ सार हो डॉक्टर त्रिनाथ पट्टनायक संस्पर्श 2014 मसीह आसली से मत इन्स्पायर करते कि तू लेख पब्लिकेशन चिंता करना लेखा आज तू एम थी तू दिन लेख तोर एत लेखा तो पाखे थी कि तू भी दे पारुन लोक मागु थे तू भी दे पार तुम्हारे एमती समय भी आसो तेना तू लेख पब्लिश हो ना लिखु पकईदेबू एड्रेस बसी पड़ू चुपी तो मैं से बेटे पछुक फेरनी आज आई पहुंची जगह अच्छा त्रिनाथ सर से कथा आपको इनस्पायर कर तो जमी कहले कि फास्ट रिजेक्शन आपंकर मनोबल बढ़ी ना मुझे लिखी तो फास्ट कौन कविता थी आप मन अच्छे फास्ट कविता मुझे कलेज पर किसी कविता लिखी थी मो सार मानू किसी कविता लिखी थी बोधे बोधे सफिसीयंट नाला पब्लिकेशन किसी पब्लीश कर पारे मुझे बुझी ठीक अच्छे मोर भी लाकुना था कि अच्छा रिजेक्शन अलग कवि लिखुली प्रेम कविता लिखुली परवर्त मुहूर्त में कुलांगार संस्पर्श आसली व्यंग कवि हवा चेस्ट कर व्यंग कविता लिखिली तो से इंसिडेंट के सारे सहित इंट्रोड्यूस हाँ बेंग कविता को आपण कारण आपण ना पूर्व बेंग कवि भाव बहुत परिचित मैडम जो फास्ट देखिली दुनिया रे फास्ट आम तो समस्त सब दुखी रोचे तो पुणी दुख विरह कविता नहीं कौन लिखी तो मुझे भाविली किसी हास्य करवा कि व्यंग करवा कि समाज जो आम कि कुश्चित पथ अच्छे नहीं किसी कविता लिखी बोले चिंता कली लिखला पर मुझे फेसबुक तो समस्त आक्टिव सोशल मीडिया तो मुझे सर्च करी देख ली कौन मैंने प्रतिष्ठित व्यंग कवि अच्छा मुझे डॉक्टर कुलांगा सार को फास्ट मेसेज करी से तो बहुत व्यस्त भोल लोक से मो मेसेज रिप्लाई करें मत भी बहुत बाधि था तो फर द टाइम से निजे गोटे स्टाटस देते कि मोर दरकार अरख नुआ व्यंग कवि दरकार तो मुझे पठी गोटे फटो पठी कवितर से मतलब मेसेज करते आप गोटे भिड दिखाँ मुझे भिड दे तापर से तरफ कल करते मत बहुत खुश लगी जहाँ को बारंबार कल करी से रेस्पॉन्ड कर पार्थे व्यस्त होते से मत कल करते बहुत खुशी होती है सार कह मत चिन्ह पार्चे मुझे आज्ञा आप नंबर सेव ही अच्छी ना से कहे आप कविता भी भल लगे आप कवित कौन प्रकार अश्लीलता ना मुझे एत जन पढ़ी कि समस्त भाव अश्लील करते जो हस कि व्यंग हम से नुहे आप अश्लीलता ना तो आप मो नंबर रखुद मुझे कथी आप सहित फास्ट जर्निंग सोशल मीडिया थ्रू कौन लिखी थे कौ कविता मन अच्छे टाइम लिखी मोबाइल की नहीं गोटे कविता लिखी जो मुझे अजाणत मोबाइल टा घर छाड़ दे मो मिसेस के मत डाउट कर सांग मैंने झील मैंने कल करता केमती प्रॉब्लम सिचुएशन से कविता लिखी अच्छा ताकु नेके ले आपण को बहुत कविता प्रकाश मध्य पाइची मु गोटे देखि छी कि दशम क्लास को नेकी बा रिजल्ट को नेकी इमिति बहुत सारे थाय सेटा आपणकर अनुभूति जान जेमि कहि छी कि जने कवि जा अनुभव करंती सेटा निज लेखा माध्यम रे परिप्रकाश करंती आज्ञा ठीक छी मु जतले मु भी एबे कोचिंग सेंटर गोटे हम छी मो सांग गोटे छी मु ताकु टाइम दे गोटे लेखा मुझे देखी पे एमती निजर फिलिंग्स पे आसिक परीक्षा देवाई डर जहाँ भी मन में अच्छी से ठीक से परिप्रकाश कर पा से परीक्षा पूर्व से किसी चिंता करें कमी गोटे कपी हुई पास कर दशम क्लास टाक तो से मुझे लिखी थी अच्छा जहाँ अनुभव करेखा मध्यम कविता परिप्रकाश कर स्कूल क्या जो हूँ तो आप दिन कमी कटे पिलादिन तो मुझे नियाली बहुत कष्ट कि मो पिला दिन तो चलता मुझे से हस्य व्यंग को चूज करी बापा मोर गोटे कृषक अच्छा गरीब फैमिली लोक आम तो बापा मुझे बहुत कष्ट भी पाठ पढ़ाई तो मुझे देखिली मो लाइफ तो हिं कष्ट चलिए मुझे आउ कौन विरह कविता लिखी हफुणी दुख देवी कर देवी तो से मुझे व्यंग कविता को चूज करी
आ से पई चलछि पिला दिन सेमते इंटरेस्ट थिला के साहित्य को नेके भल पाइबा हो पाठ पढ़ीबा हो कविता पढ़ीबा हो ए सब पे आकृष्ट थिला पिला दिन बहुत इच्छा थिला भी गोटे कौन मु किछ यूनिक के भी जेमति कि मो द्वारा के अनुप्राणित हो कि मो कथा के जने कहिबे जे हां अर्जुन दास सेमति गोटे कौन लिखि छथि के गछथि पिला दिन बहुत कौन बेसी पढ़ा पढ़ी करबा को भल लागथिला पिला दिन कारण नॉर्मल तमे छोट जितने था आम बही ठू अलग टिके आमको किछ अलग पढ़ा को इच्छा हुए मत बहुत स्टोरी बही पढ़े भल लगे अच्छा फकीर मोहन सेनापति को बहुत स्टोरी पढ़ी लक्ष्मीकांत महापात्र को भी बहुत स्टोरी पढ़ी स्टोरी बही पढ़ा सहित कविता मध्य पढ़ा सही टाइम रे इच्छा थिला कि नहीं पिला बड़ जेंती गोटे लाइन आम लिखी दे बट हे तो आम जानी न था कि ना यहाँ कवितार पंथी हम गोटे सुंदर कविता भाव में परिप्रकाश कर पारा तो पिला बड़ से इच्छा टा थिला लेखालेखी करूथिले पिला दिन लिखेनी किंतु पिला दिन इच्छा थिला बहुत जेतेबेले मोर बयस होला मु जानि पाली जे हाँ एमती लिखिले भी ठीक हो पारिबो मु कॉलेज बेल टू ही मु लिखिबा को चेष्टा करथिले तापर से बहुत साहित्य कविता बही मैगजीन फैगजीन पढ़ला पर ही आगे गस कहा को देखे इंस्पायर हेतले कि नहीं मु भी लिखिबी कहा कविता देखि कि इच्छा हेतबे कि नहीं ए लाइन तो मु भी लिखि परबा मो मन रे ए लाइन बे आसुची सेमती हमर तो कहीं भी विशेष नहीं किंतु मु तीनथ सारंग अनुप्राणित से मते ही आगु नै छथि कहिबे अच्छा कॉलेज जति त फास्ट जति लेखली करूतले तो सांगो माने होतु बा टीचर्स माने होतु कहा को देखूतले कि नाही मु बे एते गोटे सुंदर किछ गोटे लेखि छ ओटा टिके देखंतु बा जते लोग किछ गोटे कविता लेखूतले बा किछ गल्प लेखूतले कहा को प्रथमे पढ़की सुनिया को पसंद करंती वर्तमान त मु जहा गप कि लेखे कविता भी लेखे मु मिसेस को पढा अच्छा से होजन मोर प्रथम पाठक से जहा फीडबैक देबे तो कौन सी परिवर्तन हम कि आ कि आड हम सब मुझे द्वारा ही करें प्रथम पाठक से तापर मुझे सार को देखे तीन सार से मोर वेरीफिकेशन करापर मुझे जो भी मैगजीन पठाए बर्तमान मुझे बहुत व्यंग गल्प भी लिखुचे आ गोटे जिनसे कि मुझे शिशु गल्प भी लेखालेखी कर एते सब भितर जमी कह मैडम फास्ट चूज करती मैडम को बेस कौटा भल लगे बेस गल्प भल लगे ना व्यंग कविता व्यंग गल्प हो बेसी व्यंग गल्प भल लगे अच्छा जेते बले से रागी तंदी एमती आपण हसे हसी सेई वेर कहि देंदी कि सब जिंस हां सेमदी किछि किछि बेले बेले आसे जेले फीलिंग्स आसे जेमदी कहि के मैनेज भी कर दियो रागल साको अच्छा एटा गोटे सुंदर वे कि नै कथा रे कथा रे व्यंग कविता माध्यम रे हम मन को जोडा में प्रकाश करै पे चाहु मन रो भावना उ सेले इजीली आपण कहि देंदी आज्ञा मन रहा गोटे सत कथा हुए तो अप्रिय सत कथा कह डायरेक्ट तो कही पारना बट आम कविता माध्यम रे कही पारा मतलब बेस्ट हुए बेंग से बहुत रही कि मुझे जिन देखे कि बाटर कौन गोटे प्रोग्राम हो मत गोटे खराब लगे कि जिन हवा कथ नुए मुझे कविता आकार लिखिक प्रकाश करते इनडायरेक्टली डायरेक्ट तो कभी कही पारे अच्छा एमती आप कर इनडायरेक्टली आप परिप्रकाश कर तार फिडबैक नेगेट आसमती किसी आसी नेगेट आस गोटे थर एम गोटे इनसीडेट होता है मुझे ट्रेनिंग में था मुझे लिखी थी आम अफिस बड़बाबू को गुमर गोटे व्यंग गप लिखी थी अचानक से दिन ही बड़बाबू मतलब फोन कर देते मुझे डरजी मुझे बोलते बड़बाबू बोलते पढ़ी पेपर में बाहर था बड़ा बोलते पढ़ी मतलब कल बैक कर अलग प्रकार थी से जानते थे किसी से विषय अच्छा जानते हैं अलग अफिस् स्टाफ मैंने समस्त जानते समस्त खुशी हूँ जहाँ आम गोटे लेखालेखी एमती अच्छे से मत भी कहते अफिस् स्टाफ मैंने कहते ये जिन लिखुद से भी जो मत आईडिया दिखते मतलब किसी आईडिया दिखती एमती लिखुद गोटे कौन प्रोब्लेम हो जिन लिखुद अच्छा ऑफिस रे जमी कहे कि आईडिया दिखते कलिक मैंने जो मैंने अच्छा आपको इन्सपायर भी करते कि ना ये वे रे लिखुद जिन सब लिखती तो नहीं ऑफिस रो माहौल को लेकिन के लिखी आज्ञा मैडम बहुत लिखी मत फास्टली जो व्यंग लिखुची ऑफिस रे देखे मो जो क्यारेक्टरटा मत पसंद लगे कि जो मैंने किसी एपट सेपट कथा कहते मुझे ही लिखे कि इनडायरेक्टली क्यारेक्टर देखे लिखे जैक से भितर को ये पशि पार ना कि जोटा देखे क्यारेक्टरटा को डायरेक्ट तो आम क्या भी कही पार्वानी तो आम इनडायरेक्टली शो अफ कै अच्छा एमती किसी लाइन मन अच्छी आज दर्शक मन शुणे मोबाइल ऊपर जो कविता लिखी थी फास्ट कविता कह अच्छा अजे मुझे मोबाइल आज छाड़ी आसी घरे मन मोर चिंता घारी देला किए कल कर पारे सीता करता करे मिली पिलाद सांग केमी से पार ना के भूलि घरणी कि जाने मैंने किए से मन हे सन्धार तो घरे पहुँचले आज पिटा बेलना कि छाछुणी तो अफिस् सारिकी धीरे घरे पहुँचल धीरे गली भितर को देख ली घरणी ढाई चाहते हाथ में धरी झाड़ को पचारि प्रिय आज किए बेस एमती कहीं आपंट से कहे कही पर आने की सुना कान फुल झरे
मन चिंता कले जहाँ आज भगवान बंचेदे मुझे कानफुल धरपी पड़ते कि मोबाइल की कल अच्छा कि जान ना से मुझे शपथ कली कि जहाँ कर मोबाइल कितना घर छाड़ी जीवन अच्छा एमती आपन सहित केबे हेई छी आज्ञा थर हेतिला मु बाबल मोबाइल घर छाड़ दी पळे सीमा रीमा के एमती जान कि थिले कॉल कर संग माने कर थिबे आज्ञा मैडम अच्छा सेही वेटा को नहीं कि आपन जान अनुभव कर दिले मोबाइल माध्यम लेके जे कि आपन सोशल मीडिया रे मध्य शेयर मध्य करी थिले तो बहुत लोग से जिंस को पसंद मध्य करनथि लेट मध्य करनदी एमती कॉल आसे कि नहीं आमो से तो भी एमती हेई छी बा ए सब जिंस को रिलेट हम करि पारो मोबाइल हूँ सब गोटे भल जिन तो निश्चिंत कि खराब जिनस जब मन सन्देह पलि आसा से तो ही खराब हो सांग पे जी कि बुझीपर से किए बोले तो असुविधा निश्चित हो ते आरो मेरिट भी अछि डिमेरिट भी अछि आगे निहाती बाबरे सोशल मीडिया रे जेंति कहली कि अपन सोशल मीडिया बहुत यूज करंदी बा अपन गुरु गुडे वे गुडे अलग हिची कि सोशल मीडिया रे बहुत प्लेटफार्म भी बहुत खोलि छि कि नुवा नुवा जे माने कविता लेखु चंती बा गल्प लेखु चंती से माने निजरो टैलेंट को शोप करि पारु चंती त अपन को केते हेल्पफुल हे छि बहुत हेल्पफुल हो किंतु सब सोशल मीडिया अपेक्षा जी टेक्स्ट बुक फॉलो करें बहुत बेटर अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ापे आप सोशल मीडिया तो जेकोसी गोटे भी आम देखिए गोटे स्क्रॉल कले आउ गोटे कोड़ा में भी पढ़े पार्चे से नेट भाया कौ जाल भितर मुझे कौट भी छंदी दूसरी किंतु बुक्स है आम बेस्ट सब बुक्स पढ़ले आम कौन शब्दर ज्ञान बुझीपर शब्द कौन सी कौ शब्द प्रयोग करा बुझीपर ताठ सब जिनस हो आम जनक लेखार परिप्रकाशा देखिपर आम केवल सोशल मीडिया में पाइपरानी कि टेक्स्ट बुक निहाती कौन फॉलो करवा उचित अच्छा एबे के जनरेशन जेमिति कहबे कि आमे हुए तो समस्त पाखरे फोन हो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो ए सब जिनस यूज करू जे बदे बुक टू टिके दूर जाय छी जदी भी आमे बही पढू छे सडा ई बुक माध्यम रे भी आमे मोबाइल हो लैपटॉप हो ए सब जिनस रे पढी पारू छे तो आजिका टाइम रे बदे आमे फोन रे बेसे कनेक्ट हे के रहू छे आ बही टू टिके दूर हे जाय छे ते अकुने के कोन कहबे जाय कारण नॉर्मली भी आमे समस्त सोशल मीडिया रे हो लैपटॉप रे ए सब जिनस रे कविता मध्ये लेखु छन मध्ये आगे मैडम ठीक अच्छे जेहेतु युग आग को जाऊँ आम भी सही स्तर में जवा कथा किंतु जदि आम पुराणतर फर्मुला जो अच्छे कि पेन एंड पेपर पेन एंड पेपर तो निहाती दरकार आम बस बाटे जाऊँ माइंड रसले आम भी गोटे पकेटे जेको गोटे कवि हूँ लेखक हूँ निहाती कम गोटे डायरी एंड पेन रखा कथा बाटे गले कौन गोटे लेखा मन पड़ा निश्चिंत मोबाइल आमको हेल्पफुल करें गोटे जगह अगर जगह कनेक्ट हो पारे कि ये पेन एंड पेपरटा बहुत हेल्पफुल हवा दरकार कहीं पुराण मेथड कले आम जब पेपर उठी जाए कवि गोटे बही प्रकाश कले तार बिक्री भी कमी पार ना असुविधा भी फ्यूचर हम पब्लीसर मैंने तेनालीरु पेन एंड पेपर निहाती कम यूज करा पड़ोस यहाँ सब बेस्ट कहीं बही धरी पढ़वर चार्म अलग प्रकार मोबाइल धरी पढ़ा बही धरी पढ़ा चार्म अलग प्रकार निश्चित अच्छा कहे पेन एंड पेपर बोधे हुए तो सब बेस्ट फ्रेंड हूँ गोटे कविर कि गोटे सब बेले कि बोधे न था गोटे पेन आउ पेपर निहाती भाव में पाखे थी तो आप टाइम बेस भल लगे लेखालेखी करने लेखाली करे मुझे ऑफिस रिटर्न कला दसटा राति पर लेखाली करे कि क्यारेक्टर गुड़ाक सब जो ऑफिस रिटर्न करू से टाइम माइंड में मेकअप करते हाँ ये आज गल ये स्टोरी लिखी कि बाटे देख ली कौन गोटे इनसीडेंट आसूसी जो स्टोरी माइंड में मेकअप करके नहीं आसे जदि हुए तो मन न था मुझे सागे पेन एंड पेपर लिखी दिए क्या स्केच बनला घर आज फाइनाल कलर जेन कर हेलो नमस्कार किए कौन नमस्ते मैडम अच्छा बहुत बड़ा अच्छी थैंक यू सो मच आज हम सत अर्जुन सर अच्छा कथा हुआ हेलो हाँ मैडम कौन हाँ गुड मॉर्निंग मैडम हेलो राजनीति ऊपर किछि बेंग लिखि चंदी की राजनीति ऊपर मैडम तो मु बहुत लिखि जे किंतु जेतु मु जॉब रे छि मु पब्लिश करया को पसंद करने अच्छा किंतु सब स्टोरी को नै कि आपन लिखि चंदी आगे बहुत दिन तो लिखि जे राजनीति भी अछि किंतु जेतु जॉब रे छि मु टिके भी प्रेफर करेनी ताको लिखिबा पे अधिक अच्छा लिखिबा पे प्रेफर करनी मैं लिखिया पे प्रेफर किंतु पब्लिश करनी कि कहबा पे टिके अच्छा निहाती भाव रे समस्त गोटे भी गोटे पर्सनल चॉइस भी था कि जोटा कि हुए तो आम गोटे बेंग कवितार गोटे एटा गोटे मूल लक्ष्य कि जहाँ आम लिखुचु से पाठक पढ़ले निहाती भाव से हसी पारे तार मूल उद्देश्य यहाँ ही था क्या किसी आम हैम्पर जमी नक आम लेखा मध्यम सचेतनता आनी पार ता सहित क्या जमी हसई पार जमी मैडम कहले कि यू जिनस को लेकिन बाब गए इश्यू को लेकिन जो लिखा हुए तो आपको सेमती अफर आसे कि ना ये सब जिनस को लेकिन गोटे टपिक हूँ गोटे इश्यू को लेकिन हूँ लेख किसी लिखापी हाँ मैडम आसीच्छी बहुत थर तो मुझे
जोटा मत पसंद हुए मुझे लिखिक निश्चिंत दिए आम भी दरकार आमको पाठक भी बुझा दरकार आम जन क्रिटिसाइज कर चलो ठीक अच्छे व्यंगर तो सैटा लक्षण पा क्रिटिसाइजिंग करवा तो आसी अफर मुझे लिखी भी कि पत्र पत्रिका लिखिकी दे फास्ट जो आप प्रकाश पाई जो कविता तो नियति केते खुशी लगे कारण जो रिजेक्शन जो मिली था मन टी दुख मिले कि ना मुझे लिखी कि ना पसंद करेंगे कि ना तो फास्ट जो प्रकाश पाई से दिन कमी आप फास्ट प्रकाश पाई बहुत खुश लगी फास्ट से बापा को शुणी कविता बापा भी बहुत खुशी होते पुह भी एत बाट गला खुशी तो जहाँ पब्लिकेशन से समस्त लेखक तो गोटे इच्छा ही आम कविता कि लेखा गोटे प्रकाशित हो तो मूल लक्ष्य आज निहाति भाव में आगे अनेक कथा हम आउ जन कलर जॉइन कर छता कॉल लेवा हेलो आज्ञा मैम नमस्कार नमस्कार के को चंदी दिलजस कुमार बरा अच्छा आज हम सता अर्जुन सर अछन कथा होंदु आज्ञा सर आज्ञा भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर आज्ञा कुंत कौन हो सर भलो तो आज्ञा आज्ञा कुंत अपन केमते छंदी खबर कोन अपन केमते छंदी सर बहुत भलो अछि आगे कोन आ गल्प कविता को नै कि अपन कर कोन भाव अनुभूति अछि सर को कविता अपन जो कोन सी कविता अपन भल लागे किबा अपन यदि गप पढिबा भल पांदी सर अपन कथा ला क्लियर आसुनी हेलो गल्प आगे गल्प या कविता को नै किछ अनुभूति अछि बा कोन पढिबा को अपन को भल लागे कविता को नहीं तो कवितार किसी मैंने जानिया कथा थी तो कविता शुणी तार टोटाल मोडिफाइड हो कविता नहीं जानवा कि पड़ो जानवा कथा जान लें तो भल लगे ना आज्ञा बेंग कविता आपको भल लगे ना भल लगे कि कविता बेंग कविता बेंग कविता आगे शुणी से जानी जब किसी दीपद बोल के शुणी खुशी लगे अच्छा भाई गोटे रिक्वेस्ट अच्छे कि किसी बेंग कविता शुणे ठीक है मैडम लिखा आज्ञा नि बहुत कविता अच्छे जमी कहले कि हूं तो आम गोटे गोटे जान पार कविता तो कविता तार बेंग कविता हो शिशु कविता हूँ ये सब जिन जो मैंने लिखुं जो मैंने साहित्य को भल पाँच से मैंने हूं तो सब जिन जानपारती बहुत एलाब्रेसन करती नर्माली आम समस्त कविता गोटे ही कविता ठीक है बेंग कविता को बहुत लोग पसंद मध्य करंती आज्ञा तो नेदी आ रिक्वेस्ट अछि कि गोटे बेंग कविता सुनिया पाए ठीक है मैडम गोटे सर मु स्वप्न रे बाउली चाउली हिगिरी कोन मु गोटे कविता लिखितली लिखितली निद मळे मळे बाउला होई धरी पकेली स्त्री तंटी को जाई कहिली आज मु पापना सिबी तुमको मारी पछे जेल जीबी जेदु स्त्री को सबले पाई थाए स्वामी मानको प्रेशर थाए मो स्त्री को सेम थिला मु सेटा कथली कहली आज मु पापना सिबी तुमको मारी पछे जेल जीवी हाथ मालिकाणी पलिया छड़े देवी मन भरी बहु गाली करी सबू रंग तार छड़े देली बहु दिन पर प्रतीक्षा पर आज अच्छी मुझे स्त्री उपर स्त्री सब मो रागिक थाए मुतापुर आज अच्छी बहुत दिन पर बाम हाथ धरी धारुआ खंडा को कहली काटी तुम बेक को पानी बाल्टे अजाड़ी देला स्वप्न भांगी मोर चूना होगा रागर धली से बेलना काटी पठेदेला मो हाथ पिठी तो से रागी मो निद देखे से निद बड़े बिलबिल से कौन कहे ना मोदी पाँच आने की ढाली दे मो स्वप्न भांगी गल से मत बेलना पीड़ी अच्छा एमती आप नहीं एमती है के जस्ट गोटे लिखी गोटे गोटे फनी परे फनी परे एटा जेतले मैडम जेतले सुनी थिले कि नाही जेमती वाइफ को नै जा एक्सपीरियंस करंती आपन सत हेनी बट आपन सुनी चंदी से ताकु नै कि लिखी जों तांको रिएक्शन कोन थिला से बहुत रागी थे कहले मु को सतरे एमती करे तो को मु ऊपर नै एमती लिखी छ मु कहले नै नै एटा गोटे भावना गोटे लिखाय छ समस्त मो ते लेखा देखाय नै समस्त को कथा लिखाय छ जे जा भितर टाणी पारा अच्छा तो फास्ट जिते मैडम को सहित देखा है मैडम जानी कि नहीं आप लेखालेखी करती जानी तो नीति किसी फरमाइज थी कि नहीं मोपाई कि लेखा गोटे फरमाइज करूँ कि गोटे लिखिकी शुणा कविता किसी शुणा कि फरमाइज से भी कही व्यंग कवि लिखा व्यंग कविता लिखा भी बहुत इच्छा था मैडम लेखा लिखी करती ना मैडम लेखा लिखी करती अच्छा पसंद करती पसंद करती मो लेखा फास्ट पढ़ती से फास्ट पाठक अच्छा फास्ट पाठक मैडम सब बेले जे कोनसे जिंस हो आपन को सजेस्ट मध्यम कर सजेस्ट कर दे जे भूल भी थे मु बावला स्लिप कर जाते वर्ड मिस्टेक भी सेटा को करेक्शन कर दे
अच्छा तो यही सब जिनस सपोर्ट तो निहा जनकर कि आम के बेटर करा कौन कले निम लेखा दर्शक मान पसंद करेंगे तो सबुठ बहुत एत लेखा लिखी सब आप बेस्ट कौ लेखाटे जोटा कि मैडम को बहुत भल लगु जोटा मुझे लिखी थी कि जो बड़ाबू गुमर से सब भल था एक्चुअली रियल फैक्ट ही लिखी थी बड़ाबू जी भी थे मन अच्छे आप मन अच्छे लिखी थी कि से आम जमी बड़ा कौन कहते समस्त गेर गेर हूँ गले मैंने रागे समस्त आक्ट देखे सी मुझे सबकि कैर कि जहाँ भी नक पारे कि सबकि करते आत्मघोषित जमी कहते मुझे सबकि कैर तो से जी मैंने अफिस कह मुझे कहूँ तुम किसी कर न तुम ये कर आउ मैंने देखे से निजे कर नए कि आम मन सब गाड़ी करी कहते तुम्हें यहाँ करना कहीं कर सहीटा ही मुझे प्रतिभाष कर तो बड़ बाबू जो शुणी कहले कि पदे हुए तो शुणी ना बट पूर्व आपको कल आसी जाता तो सही जिन प्रकाश पाई तो आप मन डर था कि ना मुझे प्रकाश पाँच मो जब किसी हेम्पर आसो जो ऑफिशियली किसी इश्यू हम एम कि मन डर आस ना निडर ही जहाँ लिखते मैं प्रकाश कर दिखर लिखे जहाँ लिखे परिप्रकाश कैर आज मुझे आम अफिस विषय किसी लिखी सेमती भी किसी ना अफिस टोटाल अच्छे समस्त जे सब अफिस तो बड़ा था मुझे मैंने गोटे सिस्टम पर लिखी मुझे जन पर्टिकुलर पर्सन पर किसी लिखी ना अच्छा तो यही गोटे हुए कि आपति जो लिखुं जो मन भावना जोड़ा से कविता मध्यम बहुत सुंदर भाव कही पारे तो से इश्यू को लेकिन जमी कले कि दुई लाइन निवे शुणापी चाहिए मैम जो कविता लिखुं नुआ जो कविता लिखिस ना को कविता कोन जोटा को नै कि जेमती आमे बे कथा होतले कि बाबू को नै कि ऑफिशियली जो जेंसडा को नै कि लिखितले हां सेटा तो मु कप गल्प आकर हिले प्रकाश करतले कविता आकर नै अच्छा सेटा गल्प थिला आपन गल्प थिला तो किछि कविता को नै कि एमिति सोशल इशू हो नै सोशल इशू किछि भी मैडम आसे नै अच्छा सोशल इशू ऊपर लेखनते नै गल्प ही लेखनते हां गल्प लेखे कि माने सोशल इशू किछि हेइनि मो ऊपर एपन चलानि जहाँ भी लेखे टिके भाभी चिंती कि आगु जेहेतु भी जॉब रे हम रहउछु तेणु सबकि भाभी चिंती लिखा पड़े गोटे टंग स्लीप हो गले प्रोब्लेम हुए काले भी किसी प्रोब्लेम हो तो आम भी से भाभी चिंती भी वार्ड यूज कर तो सब जिन देखिक सब जिन मैनेज किसी गोटे लेखा प्रकाश हो सारा तो आम किसी करें बट पूर्व आमको सजा रखे पड़ा तो एमती भी बेले बेले हुए कि गोटे प्रेसर था कि गोटे एमती माइंड सेट थाए आम कि गोटे लिखी दे था आमको ठीक लगे कि हे तो पाठक हूँ अन्य हूँ ये भूल लगी पाए तो एमती आप सहित गोटे लेखा को लेकिन आपड़े प्रॉब्लम फेस करेंगे एमती पाठक को अलग हुए आपण को हुए गोटे अलग थी पाठक जी पढ़ी थे मैडम से गोटे गल्प लिखी पठेली गोटे पब्लीसर पाखर मैगजीन पब्लीश पर बट से मत रिप्लाई करते कि लेखाटा टी मत पसंद आसुनि लेखाटा एमती होते भल होता कि मत बहुत से पसंद था से लेखाटा मेसेज मो पाखे आसला भल है आपको मोडाई कर तो अन्य अन्य मैगजीन पठे दी थी अच्छा सेटा मोडिफाई पब्लिश भी हो जाती है अच्छा सेटा मॉडिफाई कर कि अन्य मैगजीन पठे अच्छा जते एमिति जले कॉम्प्लीमेंट आसे बा किछ सजेशन आसे कि नहीं लेखा को नै कि से सब जिंस को केमते एक्सेप्ट करन दे कारण आपन को थिंकिंग अलग थिबो आपन को वे रे आपन ही आपन को भावना को परिप्रकाश करन दे फर्स्ट फर्स्ट जले मु लेखुतली भी से टाइम जले एमति मो पाकु लेखार किछ रिप्लाई आसे मते बहुत कष्ट लागुतला किंतु एबे कोन हले आमे जले बारंबार लेखिला पर हम को हाबी छोडे गेलानी ना हां ठीक अछि एटा दिन सब तांको हम पाठक जदि बुझि पन्ना त हमर की फायदा छ लेखार तो मुसाटा को ना निजु माइंड के बैकअप करे ताको आउथर पुनी स्टडी करे केमति को चेंज करे को हम टर्न करले भलो लोक पाठक बुझि परियो कारण हम लेखाटा हम पाठक मान पई पाठक जन बुझि त हम लेखार किछ मूल्य भी नै तो सेत पई पुनी ताको चेंज करि करि भी करे पड़े आउ नेगेटिव थिंग नै चेंज हो जाइछ माइंड सेट जत पड़े फर्स्ट फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुए पिलाटी तो भूल करे तापर जो बड़ गला से ठीक जापे ना हाँ ये जिनसा भूल हो ठीक अच्छे मो भूल मत जन मैंने मुझ सक्सेस मत से कहते जदि से घोड़े से पब्लीश करदे मैंने मुझे आहरी भूल कर चलिए आगे ठीक भी करें जन भी मुझे हाँ ना ठीक अच्छे जिनसा मोर भूल अच्छी ये लाइट में मुझे ठीक आस अच्छा एमती के कविता अच्छी आप जो प्रकाश पाई जो पाठक फोन करके आपथे चिठी देते कौ वे आप आसी थी थिंकिंगटा कि ना ये जिनसा एमती दरकार आपंकर मन थी से कथा एमती किसी अनुभूति अच्छी कविता मैंने गप प्रकाश होगा बहुत फोन आसे धरित्री में प्राय प्रकाश पाए मो शिशु गल्प प्रकाश पाए आसला भी से बहुत फोन आसे सकाल बहुत फोन आसे आपटा भल हो आपत आगे लिखा
ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି କେତେ ଏଜ୍ ବସ ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି ଆପଣ ତ କମ୍ ଏଜ୍ ପିଲା, ଆପଣ ଆଉ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ କଲମରୁ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି, ଆଗକୁ ମୋତେ ବାହାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗକୁ ଲେଖା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଫୋନ୍ ବି ଆସେ, ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ହଉ, ଶିଶୁ କବିତା ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେପ୍ଟ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ତା ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଯେ ତାକୁ ତା ହାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବୋଲେ ସେ ଆସେପ୍ଟ କରିନେବ, ଆମେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଦେବା ସେ କେବେ ଆସେପ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ତା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ତା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରି ଆମକୁ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲେ ସେ ଭଲସେ ଆମର ବୁଝିନେବ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେ ପିଲାଟି ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଥିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲେଖନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗ କବିତା ବା ଶିଶୁ କବିତା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଖେ, ବେଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, କବିତା ଲେଖେ, ଆଉ ଶିଶୁ ଉପରେ ବି ଲେଖେ, ସ୍ତମ୍ଭ ବି ଲେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଲେଖିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଟଚ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେମିତି ଜଣେ କବିତା ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜଣେ କବିଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବା ପେପର ହଉ ମାଗାଜିନ୍ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ନିଜ ଲେଖାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ମନରେ ଡର ଥିଲା କି ନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଲେଖାଟାକୁ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିହାତି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସିନିୟର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମକୁ କଥା କହିବାକୁ ଟିକେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ନିଆଳିରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ତିନାଥ ସାର ଡାକିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ତୁ ଡରିବୁନି କେବେ, ଯାହା ହେଉଛି ଭାବ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ନାହିଁ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଯାହା ବି କହୁଛୁ କହ, ଆଉ କେହି ତତେ ଭୁଲ କହିବେ, ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୋର ଭୁଲ ଯାହା ହେବ ସବୁ ଠିକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା ତୋ ଭୁଲ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗପ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ବି, ସାର୍ କହିବି ତୁ ଠିକ୍ କର, ତୁ ତା ବାଟ ଚେଞ୍ଜ କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସବୁଦିନ ତ ତୋତେ କହିପାରିବିନି, ତୁ ତୋ ନିଜ ଭୁଲଟା ଯଦି ଦେଖିବୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁ ନା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭୁଲଟା କରିବୁନି ତୁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଆଗରେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତାହା ହିଁ କହିଦେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଟା ମନେ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ସେମିତି ମନେ ନାହିଁ କିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଡର ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିବା ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କହିବାଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ, ତ ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଡରଟା ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଲୋକ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ହିସାବରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁକି, କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ କେ 100 ପିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ବନରେ ପୁରା ଭୟ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ନେଇନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ତୁମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଭାବିଲି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ପଳେଇବ ଯେତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଲି, ପିଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲେ ସରିଗଲା, 45 ମିନିଟ୍ସ ବି ଓଭର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମର କାହା ନାଁ ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ହସିଲେ ସବୁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି ହେଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ ନେଇପାରିବିନି, ତୁମ ଦେଖା ମେଟ୍ କରିନି, ଏତେ ପିଲା ଏକାଥରେ ବସିଛ, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲେ, ତୁମ ନାଁ ବି କାହାର ମନେ ନାହିଁ, ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ପଢ଼େଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଯେତେଥର ହେଲେ ବି ସେ ଭୟ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବେଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆମେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗ କବି ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିଜ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ସତ କଥାଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବି, ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ହିଁ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସେଇ ୱେରେ ନେଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କୁ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ୱେରେ ନିଅନ୍ତି ନା ତାର କିଛି ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ସେମିତି ଥାଏ? ସେଇ ୱେରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ବା ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେ ବି ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରନ୍ତି? ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଛି ଯେମିତିକି ଦୂରଦର୍ଶନ ହଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁ କି ଗୋଟେ କବିତା ହଉ ଗୀତ ହଉ ଏଇସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆପଣ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଠି ପ୍ରକାଶ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଜଷ୍ଟ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପଶିଗଲା ପରେ ସବୁ ହେଇପାରିଲାନି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମନରେ ସେମିତି ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋ କବିତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଅଛି ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା,
तो नीति जमी कहे कि आगुरी आप बहुत कविता सम्मिलनी देखी बहुत मैगजीन प्रकाश पाला बहुत लेखा को लेकिन तो ये बहुत से सब जिन कमी जा तो तार कारण आप कौन फिल कर कारण कम कि मैडम जदि आम ठीक लेखाटे देवा आदि आम पाठक भितर लेखा पहुँची पार तेल निश्चिंत आम पब्लीसर मैंने पब्लीश करेंगे भल जिन भी मार्केटिंग हो पार आम सोशल मीडिया भी गोटे प्लाटफर्म होती समस्त भी से मध्यम जो गति कर बही भी किणवा को पसंद करना से बहुत प्रोब्लेम हो मार्केट रे मैगजीन कमी जाऊ संख्या फिर भी चलती आम पूजा संख्या आप देखिए बहुत पूजा संख्या बाहर बहुत यंग राइटर मैंने भी तरह लेखलेखि प्रकाश करूजा संख्य बहुत लेखा अच्छा तथा भी कह मैगजीन हो आगुरी गोटे मोमेंट थी कि जो टाइम अकेजन हो पूजा हो ये टाइम सब किसी गोटे मैगजीन आसे कि नुआ बही पब्लीश हुए समस्त वेट करते कि ना गत बर्ष जहाँ थी अलग किसी बेटर थी से जिनसा किणवाई समस्त वेट करते जमी कह सोशल मीडिया कथ कहतु तो से जिनसा भी धीरे धीरे कमी आसला आज्ञा मैडम पूजा संख्या आम समस्त आगुरी बहुत मुझे से जानी नी भी त्रिनाथ सर आम कहते पूजा संख्या शह शह पत्रिका आसे आबे कमी जाए जेहेतु सोशल मीडिया पिला मैंने सब पब्लीश कर दे पाने भी पढ़ुं बहुत सोशल मीडिया रे तो से बहुत कमी जाए पूजा संख्या भी कमी आसुच्छी धीरे धीरे अच्छा आप लगुच कि कौन आम बेटर कले ना पुणी आम बही को लेकिन हो बही आम पाठकों को बांधि रखिपर बेटर हे कि आम मानते मोबाइल ठू छाड़ी आम बही की समस्त प्रिफर करवा आम निहाती कम बहर पब्लिकेसन बहुत आस आगुक मत मैगजीन आम बहुत बाहर पार आगुरी कौन थी कि मैडम आम सोशल मीडिया एक्ट ना समस्त पाखे खंडे खंडे बही जहाँ रही पड़ते हैं जेहतु सोशल मीडिया एक्ट है बही ठू दूरे से सोशल मोबाइल टाक प्रिफर करते जब आम मोबाइल टाक छाड़ी मोबाइल छाड़ संपूर्ण छाड़ पार नहीं कि जो बही पढ़ा टाइम तक आम मोबाइल छाड़ दे बहटे पढ़ा तो निश्चिंत आम आगे जब गोटे लिमिटेशन थाए जमी सब जिनस जितकी यूज करवा कथा आम मोबाइल से यूज करवा जमी सब जिन मेरीट थाए डिमेरीट थाए आमको बहुत हेल्प कर बहुत लोग कनेक्ट हो पार्टी जितकी यूज करवा कथा से बट बोधे हूँ तो बेस प्रिफर जब बही को करवा जो लेखा को जी कर पेन एंड पेपर में जब आमको बेस प्रिफर करवा तो बही संख्या हो पब्लिक बहुत सारा बही प्रकाश पाइब तो फास्ट जो आपर इच्छा थी कि ना समस्त इच्छा ना कि गोटे बही पब्लीश करने कविता आप प्रकाश पाइबा तो आप प्रकाश पाई गोटे बही जो प्रकाश पाई तो से दिन के मैडम मुझे कौन बही प्रकाश पाईना अच्छा बही प्रकाश पाई बहुत अच्छी कि लेखा अच्छे मुझे प्रकाश करना बहुत दिन कौन भी बही एपर्त मोर प्रकाश पाए मत त्रिनाथ सार मत से गोटे कथ मन पड़े कह तुम सब लेखा फोकस कर केमी लेखा आगे बढ़ो पाठक मैंने केमी बढ़े बह पब्लिकेसन कि कौटी से जिनस पब्लिकेसन तु आशा रखना जमी तू आगे जीव तोर एम दिन आसो तेज़े पब्लीसर मैंने बही मगुथ तू जोगे पार न अच्छा तो मुझे पर्यटन बहुत पब्लीश करनी कि ये वर्ष प्लानिंग अच्छी दुटा बह पब्लीश कर अच्छा जमी कह जब करेखाखि कर सहित फैमिली को टाइम देवा निहाती दरकार तो ये सब जिनमें मैनेज कर मैनेज कर तो बहुत कष्ट एक्चुअली सका कोचिंग भी जाए मुझे कोचिंग सेन्टर अच्छे सेठ कोचिंग पढ़े आसे पुणी जाए ऑफिस आसे दस टू साढ़े पाँचटा छटा सात आठटा भितर घर जाए पड़ा आठटा बेल से आठटू ना दसटा फैमिली सहित मीट कर दसटा मुझे मो साहित्य रचन व्यस्त हो जाए दसटा रात जिते फल पर्यत मो लेखा न सरची मन न बुझे से पर्यटन लिख सारे एमती सिचुएसन पलि आस जो दिन टी न पढ़ी हो तो बही पढ़ाक ही प्रिफर कै मोबाइल अपेक्षा मोबाइल मुझ मैंने साहित्य उपर गले मोबाइल धरे नहीं बही रू ही पढ़े मुझे सब जिन दिने न पढ़ले मनटा कि गोड़े घाटी हुए कहीं आज पढ़िले जिते बाधा था जिते कष्ट था पाठ पढ़ा बही पढ़ाटा अच्छा लेखालेखी करने को टाइम बेस जमी कहे कि सब बेले अफिस् हो कोचिंग हूँ घर हो गए रुटीन थाए समस्त लाइफ आप सेम रुटीन सेमती ही अच्छे तो रात प्रिफर करते लेखाखी कर कि समस्त कहते कि ना टी पीसफुल माइंड दरकार शांत परेश लिखापी बहुत भल लगे सब मतलब सकाल टाइम बहुत भल लगे सकाल जो माइंड पूरा ब्लांक थाए तो सकाल टाइम टाइम आप जहाँ भी जो थे यूटिलाइज करेंगे बेटर हो पार मुझे सकाल टाइम बहुत प्रिफर कर लिखापी एमती भी रात लिखे रात अफिस रिटर्न कला लेखालेखी कर दसटा साढ़े दसटा पर बहुत लेखालेखी अच्छा जिते बड़े किसी लेखा नतुबले अफिस न तो अलग ये सब जिन छाड़ी कौन कर क्रिकेट खेल भल लगे बही भी पढ़ा बहुत भल लगे बहुत समय बही पढ़े जो फिजिकाल वर्क दरकार पड़े क्रिकेट भी खेला
अच्छा क्रिकेट खेला खेली गुरा को बेसी भल लागे। अच्छा सेतर के बे इच्छा है जी कि नहीं मु भी क्रिकेट रे निजो करियर करबी बा स्पोर्ट्स को नेकी किछ करबा पे से स्वप्न थिले ना मैडम समथिंग स्वप्न मतलब जस्ट टाइम पास में क्रिकेट खेली देह भी फिट रहो। अच्छा तो पिला दिने कोन स्वप्न थिला आपन कर पिला दिने मोर स्वप्न थिला मु गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हे बोले भाबितले बट फैमिली प्रॉब्लम सकासे मु आगु पढ़ी पालेनी तो एबे गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एमती किसी मन इच्छा था कि समस्त किसी ना कि स्वप्न था जो बहुत पूरण हेले नहीं आमको बहुत कष्ट लगे अफसोस रही जाए मन में तो सेमती किसी अफसोस रही आपण मन में मैडम ये तो थी मो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मैं इच्छा था चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे तो बीकॉम करी बीकॉम पर भी एम बी कर फर्दर टाइम जेहेतु घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो घर को प्रिफर करने जब भी निहाती दरकार था पैसा पत्र प्रोब्लेम थी घर फैमिली प्रोब्लेम तो मुझे बाध्य हो छाड़ी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर टाइम दरकार पड़ो प्रिफर कर। अच्छा तो आपको छाड़ी देले अलग किसी कविता को लेकिन साहित्य को लेकिन किसी अफसोस अच्छे मन में। हाँ मैडम निश्चित साहित्य को लेकिन अफसोस रही भी गोटे लेखक कवि चाहूँगी जमी आम ओडिया भाषा आम कि ना ओडिया भाषा साधारण गुंडी चुमसाट हो भाषा को आगे ने चेस्टा कर जो समाज में किसी कुचित प्रथा रही है से परिवर्तन करने जस्ट गुंडी चुमसा बेल राम सेतु करने चेस्टा कर भगवान चाहिए जहाँ हम आज्ञा बहुत जमी कह साहित्य को लेकिन आम सब सम्मिलनी हो समस्ते साहित्य केमी आम डेवलप कर पार्बा अलग किसी कविता हो गल्प हो सब जिन धीरे धीरे आम जब यंग जेनेसन मानक देखा तो से प्रिफर करूँ बट आगु गोटे टाइम थी तो अधिक रु अधिक आम से कमी आकृष्ट कर पार्बा कि ना आम साहित्य को लेकिन कौन करी पाले बेटर हम आप भाई मैडम फर्स्ट ऑफ़ तो कलाटा हूँ गोटे स्वतप्रत गुण जो भितर जी जे इंटरेस्ट हे आगे बाहर साहित्य लिखापी से आगे ही बाहर दरकार निजर जब लेखाटा पसंद आसूस फास्ट से चिंता करवा दरकार साहित्य को आगे नेबी जन को ठेली पेली आगे दवा से के जापर फिर भी तासत आम पा पढ़ा को कह कविता पढ़ु गप पढ़ु आम पुराणा साहित्य मान जो अच्छा फकीरमोहन सेनापति लक्ष्मी महापात्र लेखा पुराणा लेखा जब पढ़े से बढ़ीपर तो यंग जेनेसन जो मैंने आपको कविता पढ़ुं बेंग कविता पढ़ुं गल्प जो मैंने पढ़ुं से कल करती कौन प्रिफर करती आपको कौन सजेसन मागते केमी आम आगे लेखापर आपकी प्रकाश पाँच आम से प्रकाश पाइपर एगुड़ा सब कहते। अच्छा आती कह कि बहुत पिला बोधे हुए तो ये सब जिन जान नए कि बेंग कविता कौन तो फास्ट आपड़ जोबले लिखी थे तो आप माइंड थी कि नहीं बेंग कविता किसी गोटे अलग हम वही वे रे लिखा दरकार कारण तार पंथीटा टी अलग रहा दरकार जोटा कि हम तो ताला ताला मिसा दरकार जोटा कि आमको शुणापी भी बहुत भल लगे से श्रुति मधुर रहा भावते कि नहीं अलग कविता टी जो आम बेंग कविता लिखू टिके जगे रखी लिखा पड़ा बाकी आमको भाविक पड़े अधिका जिन प्रकृत देखिए तो मैडम कौन से भाविक ही पड़ानी जड़े व्यंग कवि चाहिए से जहाँ भी लिखिपर मैं जो क्रिटिसाइज कर दरकार समाज को जहाँ हो कविता आकार प्रकाश कर। अच्छा कि कहार कौन प्रिफरेन्स अच्छे जे जमी लिखि पार्टी जे अच्छा भी किसी आम से डायरेक्ट आम लिखे कि आम ये जिन समाज रोज डायरेक्ट लिखिपर तो सेमती भी आम कर किसी असुविधा ना लिखि पार डायरेक्ट। अच्छा निज निज वे पर डिपेंड करे डिपेंड कि आमी को कोन दरकार बा आमी जे भाबु छ सेही भावना को केमिति प्रकाश कर परबे आगे तेमिति हे छि कि बे अपन को अपोज के करि छथि कि लेखा को नै कि नै लेखा को नै मैडम के अपोज कोन दोर समाज खुशी होंदी संग साथी टुल लगे बंधु बंधु हर समाज बहुत खुशी होंदी समाज प्राउड फील भी करंदी जहा किछि लेखा लगे छन हम अंचल रे भी सेंती बहुत खुशी। अच्छा फास्ट जितेबाला आम थे पब्लीश जो जाए जापारती कि ना योक ये जिनस कम करूँ तो बोलते पूर्वर आमको बहुत सारा अपोजिशन अपोज हो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करवाक पड़ थो जो फेमस हो जाती जो जापारती ना ये जिनस करूँ आप्रिसीएसन मिले तो पचर से किसी आपत आप लिखुए मैडम प्रथम तो सेमती ही आसे जिते भी लिखले कौन ये अच्छी तु आड़े दौड़ु सेत दौड़ु इटी कवि सम्मेलन जानु इटी कवि सम्मेलन तोर समय बर्बाद कर किसी फ्यूचर अच्छी सेमती किसी भी लोक कही खातिर न करी आगे आगे मत भल लगे भगवान कहते चाल छाड़ी मुझे जाऊँ जुआटे मोर कि ना समय जाऊ समय कौन एमती आम रख कौन कर जिते जाऊँ मिलूँ समय छाड़ समय अपोज भी बहुत आसी प्रथम रुपए एवं सब ठीक ठाक एमती जो अप्रिसीएसन मिले तो बहुत भल लगे आमको जिते बड़े हुए तो डिमोटिवेट जो मैंने करती कि आमको नेगेटिव जिनस मिले शुणा को मन भांगी जाए तो डिमोटिवेट भी आम हो जाऊ
ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବିନି କି ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବି ସାହିତ୍ୟ ଠୁ? ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପରେ ଆଚ୍ଛା ସେବେଠି ମାନେ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାପରଠୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇନି, କହିଲେ ବି ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣେନି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାଜ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଆମର ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଠାଇ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ୱେରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ୱେରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ବେଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, କାରଣ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ବି ତ ଆମେ ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୁଣିପାରୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ବହୁତ ଥର, ସେମିତି କହିଛି, ଲେଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି, ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଲେଖିଛି, କବିତା ଲେଖିଛି, ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିନି? ନା ମ୍ୟାଡ଼ମ ସେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ କେବେ ପଡ଼ୁନି, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି କି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣେନି କିଛି, ନା ଆପଣ ନିଜ ୱେରେ ହିଁ ନିଜ ଲେଖନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କି ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କାହାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କବିତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବେଟର କରିପାରିଲେ ହୁଏ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବହି ହଉ ଯଦି ଆମେ ଫୋନ୍ଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆମେ ବହି କୁ ଅଧିକା ପବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ, ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବେଟର କଲେ ଯେମିତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି, କାରଣ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ବେଟର ଲେଖିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କିଛି ଦୀପା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା? ପ୍ରାୟତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କି ସେଇ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା ଏ କାମଟା କରିବା ଖରାପ, ସେ ତ ବୁଝି ନପାରେ, ହୁଏତ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ସେ ଜାଣିବ କି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ମନେକର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖୁଛେ, ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହେଇରେ କେମିତି ଆମର ହେଉଛି ବା ଏକତା ହିଁ ବଳ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଦେବା ପିଲାଟି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ ନା ହଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି ରହୁଛେ ଆମେ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ଏକାଠି ରହି ଚଳିବ ସେ କେବେ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ, ମେ ବି ନ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗପ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବା ସେ ଗପ ଆକାରରେ, ଯଦି ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଈ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଉଁଲି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଈ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ଲାଇଫରେ, ତ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ହେଲେ ଆମକୁ ବେଟର ମନେ ରହିପାରିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା ବେଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ହଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଏବେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ଗୋଟେ ବି ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ କିଛି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମନେ ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ? ଯେଉଁ ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ତେଲିଆ ତେଲିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଛି କେମିତି ଟିକେଟ୍ ହାତେ ହେବ, ସେ ଠିକ୍ କରିକି ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ ସେଠି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ଆମେ ପାଇଯିବୁ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଶିକିରି ମାନେ ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ପଳାଇଛି, ଇଏ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ଜଳକା, ସେଇରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଲାଇନ୍ ଗୁରା କେମିତି ଥାଏ, କାରଣ ୱେଡିଂ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତ ବେଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ସେ ଲାଇନ୍ ବି ସେତିକି କ୍ୟାଚି ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ହସି ବି ପାରୁଥିବ, ତାର ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟଟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସୁମଧୁର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଜଣେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସୁମଧୁର ନ ଲେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ହାଇଲି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ସରଳ ଭାଷା, ଗାଉଁଲି ଭାଷା ସରଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା ଆଇ କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ଛୁଇଁ ବସେ। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି କି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଛି ବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିହାତି କମ୍ ଯେ ଆମେ ଯଦି 100ଟା ଗପ ପଢ଼ିବା ତ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ସାହସ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି କ'ଣ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମକୁ,
तो सेटा को आम जगवा पड़ो तो आम जब बहुत गप पढ़ा कि कविता पढ़ा आम जाना हाँ ना यहीटा ही समाज चाहिए ये पाठक चाहूँ किसी न पढ़ी आम भी कौन लिखिपर आम लिखिता हूँ तो आमको सैटा ठीक लगे कि पाठक ये लाइट्रे जाऊँ आम जापरानी तो आम पाठक को लेकिन आमको लिखा पड़ो तो से बहुत पढ़ा पढ़ी कर शहेटा गप पढ़ गोटे लिखे जी आम ठीक बाटर जापर न पढ़े तो आम किसी आईडिया ही आसोनी लिखा कौन निहाती भाव में जमी कह बहुत सुंदर कथा कहल कि आमको पढ़ा पड़ो जदि आम लेखा को लेकिन इंटरेस्ट रखुचे किसी लिखापी चाहूचे तो पूर्व आमको किसी निहाती निजी से प्रिपेरेसन करवा पड़ो जोटा वो तो बेस्ट वे हूँ आमको आम बही पढ़ले ही आम किसी नलेज गेन कर तो यही सब क्षेत्र में आपको बहुत लोग साय करमी कहले कि सार हूँ टीचर्स मैंने हूँ आप फ्रेंड सर्कल हूँ कि पर लोक सब सपोर्ट करम शो मध्यम से कौन कहें चाहिए समस्त को धन्यवाद समस्त जेहेतु मत भी एत बाट को आनी पाखे मु चीर नमस्ते नी तो मुझे हूँ एत बाट पहुँच पार ना क्या आशीर्वाद से भलपाइवा कौटी हूँ तो किसी लोक मत तल को टाणी पारे कि बहुत लोग मत उपर को उठे जो मैं कि आज ए पाखे पहुँची पार्टी जदि हूँ तो मो पाखे से भी भाई मत तल को ठेली था हूँ तो मुझे साहित्य भी एत बाट आसपारी न था जीक भी आसी से भाई आसपार ना तेनालीरु मुझे सब चीर नमस्ते ही निहाती भाव आम भी चाहिए एत सुंदर सुंदर कविता और गल्प हो जोटा आप चाहते समाज को परिवर्तन करिया पर व्यंग माध्यम से सुंदर भाव परिप्रकाश करते सुंदर सुंदर कविता हो शिशु साहित्य हो आम व्यूअर्स मान को भेट दिंतु आम पाठक मान को भेट दिंतु बहुत भल लगे आप सहित कथा कि सुंदर भाव में आप जर्नी विषय आम सहित बहुत कथा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नमस्कार दर्शक बंधु आशा करुच्ची आज आपण पसंद आसी थोड़ा समय सरची विदाय दिंतु पुणी देखा गोटे नुआ सका आज नुआ आतिथि सहित रोचे नमस्कार।